राशिद के लिए बहुत फिक्रमंद हूं मैं। इफ्रा से शादी के बाद वो ठीक हो गया था, उसका रवैया भी बेहतर हो गया था और घर में फैक्ट्री के कामों में तवज्जो दे रहा था, लेकिन उस फिल्म ने एक्ट्रेस के चक्कर में आके प्लीज आजकल के दौर में कोई इस तरह नहीं फंस सकता, खुद इंसान कमजोर हो ना, तभी इस तरह बर्बाद हो सकता है। ठीक कह रहे हो तुम, दूसरों पर इल्जाम लगा के हम खुद को बड़ी जिम्मा कर देते, लेकिन तुम जाने की बात मत करो, मुझे बड़ी ढारस है तुमसे। तुम राशिद को समझा सकते हो, मुझे उससे बात कर सकते हो। प्लीज देखें, प्लीज मुझ पर प्लीज जाने की बात मत करना। इन सारे मामलों को संभालना अब मुझ जैसे बूढ़े के लिए मुश्किल हो गया है, सकत नहीं रही मुझ पर। कहीं जाऊंगा, हाँ हाँ यार वो भी काम हो जाएगा, कर लेंगे भाई। हाँ बस ये दो चार दिन और दे दो, मैं तो मोबाइल और वॉलेट निकालो, मोबाइल और वॉलेट निकालो। अरे देख क्या रहे हो, निकालो जल्दी, खामोश बिल्कुल वरना गोली मार दूंगा, खामोश बिल्कुल। चल चल चल। अबे यार क्या हुआ, सब ले गए? दीदी गाड़ी खराब हो गई है, पता नहीं कोई मसला हो गया गाड़ी के साथ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। क्या हो गया, कितना टाइम लगेगा? मैम चेक करके बताता हूँ। मैम इंजन में मसला है, कुछ कह नहीं सकता, आप राशिद साहब को फोन करके बुला लें। राशिद का तो फोन बंद है। करीम भाई क्या हुआ गाड़ी को,
सर इंजन में मसला आ गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी की सर्विस तो टाइम पे कराया करें आप। सॉरी सर। इफ्रा हाँ साथ चलो। इसे वर्कशॉप लेके जाओ और मुझे कॉल करो वहां से। ठीक। चाचा कैसे थे? ठीक। वो इफ्रा राशिद भाई किया था तुम्हारे भाई को फोन, नहीं उठाया फोन, मजबूरन तो मैं बुलाना पड़ा। इतनी रात को मैं किसी अजनबी ड्राइवर के साथ तो आने से रही। इफ्रा एक बात कहूं तो बुरा ना मनाना लेकिन तुम बहुत बदल चुकी हो। क्या बदला है मुझे? एटलीस्ट इतनी सख्त और गुस्से वाली नहीं थी। वक्त और हालात इंसान को बदल देते। इंसान को वैसे दूसरा मौका देना चाहिए। राशिद भाई को तुम्हें एक मौका और देना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे भाई को मौके नहीं दिए? बहुत मौके दिए, सब गवा दिए उसने। अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। और उस दिन तो मैं मर ही गई थी जिस दिन मुझे पता चला कि क्या पता चला कि राशिद ने मेरी बहन को कत्ल किया है। प्लीज इफ्रार, राशिद भाई कुछ भी हो सकते हैं लेकिन कत्ल नहीं हो सकते वो। मैं जानती थी तुम नहीं मानोगे क्योंकि भाई है ना तुम्हारा, मगर जिस दुनिया से गई है वो मेरी बहन थी, उसे नाहक कत्ल किया है राशिद ने। मैं तो राशिद को नहीं छोड़ूंगी। इफ्रा जो भी था वो एक हादसा था। और वो हादसा भी राशिद ने ही प्लान किया था। जानती हूँ तुम्हारा भाई है, तुम क्यों उसके खिलाफ बोलोगे? इसलिए तो ताया अब्बू को भी कुछ नहीं कहा मैंने। मैं किसी से अब कुछ नहीं कहूंगी, किसी को कायल नहीं कर सकती मैं, लेकिन खुद को तो कायल कर सकती हूँ ना मैं। हाँ मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। हेलो फोन सफर ही नहीं हो रहा उससे। अरुज मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, प्लीज बार बार कॉल मत करो। अरे कहाँ जा रहे हो, आगे निकल गए हो। इस वक्त एक साथ
थैंक यू। कहां से आ रही हो? मैं पूछूं कहां थी? किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? बीवी हूं तुम्हारी, तमीज से बात करो मुझसे। उस्तानी ना बनो मेरी, जो पूछा उसका जवाब दो। कहां थी? मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जब वास से पूछो ना। थैंक यू की बच्ची, रुक जरा, यहां पे बदबख्त आ रहा है। क्या देख रही हो? कुछ में आया यार, छोड़। कुछ में आया यार, तेरे से तो बात करना फजूल है। तुझे तो रिश्तों की पहचान नहीं रही, रिश्तों के तकद्दस को पामाल कर दिया तूने, मिट्टी में मिला दिया सब कुछ। इसका दिमाग मैं भी दुरुस्त करके आऊंगा। अगर आपने किसी का दिमाग दुरुस्त करना है तो हम दोनों का करें ना, उसका अकेला क्यों कर रहे हैं? सीरियसली, कि वो औरत है, उस पर आपका जोर चल सकता है, आप उसका दिमाग दुरुस्त करने में लगे। मुझे कहे ना कुछ, मर्द हूं शायद इसलिए नहीं कहते, भाई हूं आपका, खून का रिश्ता इसलिए। अच्छा भाई जा, बात सुने। और जहां तक बात रही ना कि हम कहां थे, उसकी गाड़ी खराब हो गई, उसने आपको कॉल की, आपने कॉल नहीं उठाई, इस वजह से उसने मुझे कहा। और कौन जाता वहां? हाँ, और तू टुनटुनाता हुआ चला गया, तुझे तो मौका चाहिए उसके साथ। प्लीज बस करें ये फजूल किस्म की बातों का, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। रास्ते में प्लीज ग्रो अप, अभी तो भाषण दे रहा था मुझे, अब कह रहे फजूल बहस नहीं करनी। बता मुझे, बता मुझे कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? आ रहा है मुझे नजर, सब देख सकता हूं, पागल नहीं हूं। उसकी आंखों में तेरे लिए मोहब्बत और मेरे लिए नफरत नजर आ रही है मुझे। अगर किसी ने नफरत कमाई है ना, तो वो सिर्फ आपने खुद कमाई है और किसी ने नहीं। हाँ, तो कह रहे थे कि वो आपसे मोहब्बत करने लगी, आपका ख्याल रखने शुरू हो। ओ भाई, ज्यादा लेक्चर ना दे तो मुझे, बस मैं तुझे एक बात बता दूं, वो क्या कहते हैं, आखिरी वार्निंग, अगर तू इसके पास फड़का तो इसे जान से मार दूंगा बस। तो अब किसी को आप जान से भी मार सकते? हाँ मार सकता हूँ, मेरी इज्जत में बात आएगी तो मार दूंगा जान से। फिर ये याद रखिए, उसको मारने से पहले ना आपको मुझे मारना। पता नहीं हो क्या रहा है मेरे साथ, समझ से बाहर है। दरवाजे ही लॉक किए, दरवाजा खोलो। ये क्या तरीका है, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सुन रही हो? राशिद, कब से तुम्हें फोन कर रहे थे, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? मुंह ही ऐसा है। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो अपनी माँ को। लुट गया था रास्ते में और क्या। या अल्लाह, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? मोबाइल और वॉलेट छीन के ले गए इसका। शुक्र है इज्जत नहीं थी, वरना वो भी छीन जाती।